कैसी लड़की चाहिए तुझे? बड़ा बनता फिरता है समझे क्या, हमारे हाथों में शादी की लकीर ही नहीं है। क्या तेरी आरज़ू? टफर को स्पेलिंग भी नहीं आते, सॉरी के। चुपके चुपके जल्द आ रहा है। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरा बस चले तो तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आने दो। भाई मैं अम्मा को एक हफ्ते का कह के जा रहा हूँ, लेकिन 15-20 रोज लग सकते हैं। ऐसा क्या हो गया आपके दोस्त को जो आप इतने दिन वहाँ रुकेंगे? पता नहीं मेरे अब्बू को बैठे बिठाए ऐसा क्या ख्याल आ गया जो वो 15-20 दिन के लिए लाहौर जा रहे हैं किसी काम से। अपने वालिद से कहेगा कि लाहौर जाने से पहले मुझसे मिलकर जाएं। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, समझी? मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारे ये सोचे समझे मंसूबे पर। मैं सोच रहा हूँ फराज से लड़ने से झगड़ने से मजीद मामला बिगड़ सकते हैं। अगर उससे बैठ के बात की जाए, क्या पता कोई सलूशन निकला है। बात तो ठीक कर रहे हैं, क्यों रामी? पता नहीं, मैं तो उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती, उससे बात करना तो बहुत दूर की बात है। देखें, बैठ के बात करना जरूरी है, इस मसले का वरना हल नहीं निकल सकता। भाई आप साथ को भी बुला लें, उस्मान बात कर लेंगे उससे। बिल्कुल, इस बात का हल निकालना जरूरी है ना। वो शौसिक फ्रॉडी है, वो क्या उसका पूरा खानदान, मुझे समझ आ रहा है फिर तुम लोग उसकी फेवर क्यों कर रहे हो। देखें भाई, अगर आप बैठकर बात करने को तैयार नहीं हैं, तो आखिरी सलूशन यही है कि आप रामीन को लेकर ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। आपको अच्छी तरह अंदाजा है कि जो सिचुएशन है वो कितनी सेंसिटिव है, इसके अलावा हमारे पास और कोई हल है भी नहीं। तुम दोनों जानते हो रामीन इस मामले को लेकर कितनी सेंसिटिव है, प्लीज परेशान मत हो। राबिया, इतनी रात हो गई है, तुम्हारे अब्बू पता नहीं कहाँ रह गए हैं। बेटा काशान को फोन करके पूछो उसने कहाँ बुलाया और क्यों बुलाया है। अच्छा थोड़ी लगता है कि मैं उन्हें फोन करके पूछूं। अब्बू आ जाएंगे, आप जाएं अंदर जाके आराम कर लें। तुम्हारे अब्बू ने जो मिस्ट्री बना दी उसके बाद नींद आती है भला, और ऊपर से जास बापा की बातें। सच कहूँ राबिया, बेटा मेरे सर में दर्द रहने लगा है। मेरे बिना ये लोग बर्दाश्त के बाहर हो गए, और वो साथ उसकी बातें तो नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। दिल तो करता है कि जाकर साफ साफ कह दो कि रहे जहां जाकर रहना है, यहां क्यों बिना वजह जूतियां चटखा रहे हैं। राबिया आहिस्ता बोलो बेटा, अगर तुम्हारी फुप्पो ने सुन लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि वो सुने और उन्हें थोड़ी शर्म आ जाए। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ऐसे तो रह रहे हो यहाँ पर। तुम नहीं डरती होगी राबिया, लेकिन मैं बहुत डरती हूँ तुम्हारे अब्बू से, वो अपनी बहन के बारे में बहुत हसास है। लगता तुम्हारे अब्बू आ गए, तुम जाओ जाकर आराम करो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। ठीक है मुझे। ऐसे यहां क्यों खड़ी हो? हुमायूं, मुझसे शादी करके मिला ही क्या है आपको? हर वक्त की टेंशन बन के रह गई हूं, एक लम्हा भी सुकून का नहीं गुजरा। जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी तब कौन सा सुकून था मेरी लाइफ में? मुझे तो लगता था तुम्हारे बदले टेंशन खरीद लिया मैंने। रामीन, ये वक्ती फेस है, निकल जाएगा। मुझे तो अब यकीन होने लगा कि मैं वाकई मनहूस हूं। रामीन, आइंदा इस तरह की बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा,
समझी? देखो मेरी बात सुनो, उस्मान और सिद्रा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें कुछ सोचना चाहिए, फराज से जाके बात करनी चाहिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। चलो आ जाओ, आ जाओ। बशारत, देखो ये काम मैं अपने घर वालों से चोरी कर रहा था, लेकिन अब उनको पता लग गया। यार जैसे भी पता लगा, उसको छोड़ो, लेकिन मैं गुर्दा नहीं दे सकता। यार मेरी बेटी के आंसू मुझे रोक रहे हैं, मैं नहीं उसको रोता हुआ देख सकता। क्या 1,00,000 के टेस्ट हुए थे? नहीं बशारत, यकीन करो मेरी बात का। अरे मेरे पास तो 5,000-10,000 रुपए नहीं है, मैं तुम्हें कहां से 1,00,000 रुपए दूंगा? लो भाई, ये तो पहले ही मकरूज है, हमें क्या देगा? मेरी बात समझो यार बशारत। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, वक्त होगा तुम्हारे पास? जी जी, आप कहें, क्या जरूरी बात है? राबिया और साद का रिश्ता तुमने अपनी मर्जी से किया था और अपनी खुशी से किया था, किया था या नहीं? हाँ आपा, किया था, अब भी कायम हूँ उस पे। तो फिर क्या सोच रहे हो, शादी करो फारिग हो, देर पे देर किए जा रहे हो? आपा वो आपको बताया तो था कि राबिया की ख्वाहिश है कि फूफो और साद अपने घर में शिफ्ट हो जाए, तो फिर वो शादी करेगी। अरे तुम्हें पता तो है हमारा घर तो रामीन के शौहर हुमायूं ने हत्या लिया, और तुमने ही तो मुझे दिलासा दिया था कि जहेज के तौर पे मैं 15,00,000 का इंतजाम कर दूंगा। तुम चुप क्यों हो? अरे कुछ तो बंदोबस्त करो, कुछ हम सोचते हैं। देखो सर, अगर ये शादी नहीं हुई ना तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, बस। 10-15 लाख, इतनी बड़ी रकम अब्बू कहां से देने वाले थे? ये लो पानी पियो। तुम क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा ना? पता नहीं हुमायूं, मुझे क्या हो रहा है, पानी को देखती हूँ ना तो अजीब वॉमिट सी फील होती है और चक्कर भी आ रहे हैं। अमीन, क्या हुआ है तुम्हें? चलो एक काम करते हैं, हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलेंगे। तुम रात भर स्ट्रेस में रही हो, सो ही नहीं हो, थोड़ा आराम करो, फिर शाम को डॉक्टर के पास चलेंगे। अच्छा चलो, अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ, फिर मैं ऑफिस जाऊंगा। अब बेफिक्र होकर जाएं, मैं सो जाऊंगी। नहीं, पहले आंखें बंद करो फिर जाऊंगा। मैंने कहा ना आप लेट हो जाएंगे, प्लीज आप जाएं, मैं सो जाऊंगी। चलो ठीक है, कुछ भी चाहिए हो तो कॉल कर दे। ठीक है, आप घर जाएं और अपने वालिद से कहिएगा कि लाहौर जाने से पहले मुझसे मिलकर जाएं, उससे पहले वो हरगिज़ ना जाएं। ऐसा क्या जरूरी काम था? सर ने कितनी इमरजेंसी में उन्हें बुलाया? हमारा घर तो रामीन के शौहर हुमायूं ने हत्या लिया, और तुमने ही तो मुझे दिलासा दिया था कि जहेज के तौर पे मैं 15,00,000 का इंतजाम कर दूंगा। तुम चुप क्यों हो? अरे कुछ तो बंदोबस्त करो, कुछ हम सोचते हैं। कुछ दिन पहले अब्बू ऑफिस भी आए थे और मुझसे उन्होंने झूठ भी बोला, कहीं अब्बू सर से लोन तो नहीं ले रहे? मुझे अब्बू से ये तवक्को नहीं थी, मैं यहाँ जॉब करती हूँ, क्या हैसियत रह जाएगी मेरी सर के सामने?
भाई वो रामीन बता रही थी कि उसकी पूरी रात तबीयत खराब थी। हाँ रात में तबीयत खराब थी, मुझे लगता है उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया। तुम तो जानती हो ना कितनी टेंशन है आजकल, शायद जब भी हो गई होगी। तुम फिक्र नहीं करो, आराम करेगी तो सही हो जाएगी। मेरा भाई कितना बड़ा हो गया है लेकिन अभी भी कितने भोले हैं आप। आपकी शादी हो चुकी है भाई, थोड़ी तो अकल करें। क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आया? नहीं। आप डॉक्टर को कॉल करके टाइम ले लें, मेरा दिल कहता है यकीनन कोई खुशखबरी है। अब क्या खड़े खड़े हंसते ही रहेंगे या ऑफिस भी जाएंगे? और डॉक्टर से टाइम जरूर ले लीजिएगा। हाँ हाँ मैं ऑफिस से वापसी में ले लूंगा। या अल्लाह, हमने बहुत दुख देखे, बहुत कुछ खोया है, बस अब हमारा घर खुशियों से भर दे। यस मिस राबिया, आ जाएं। कोई काम था बोले। सर इस वक्त मैं आपके पास एक जरूरी काम से आई हूँ, लेकिन प्लीज मुझे टालिएगा नहीं। हाँ हाँ बोले आप, मतलब जिस तरह की भी हेल्प चाहिए होगी I will definitely there for you। सर एक लम्हा के लिए आप भूल जाएं कि मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ और आप मेरे बॉस, हम बस फ्रेंड्स हैं। कहिए मिस राबिया जो आप कहना चाहती हैं। सर मेरे अब्बा आपके पास क्यों आते हैं ये तो मुझे पता है, लेकिन आप दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। प्लीज सर मुझे वो बात बता दीजिए। सर मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, प्लीज प्लीज मुझे वो बात बता दें। सर अगर वो मुझे बता देते ना तो मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। सर आई एम सो एम्बैरेस्ड, मुझे समझ नहीं आ रहा। सर मेरे अब्बा एक बहुत ही खुददार इंसान है, उन्होंने सारी जिंदगी हमें हक हलाल का निवाला खिलाया है और खुददारी का सबक दिया है, लेकिन इस उम्र में वो यानी कि मिस राबिया आपको पता चल गया क्या? क्या वो आपसे वाकई में लोन ले रहे हैं? माय गॉड। आराम से, आराम से संभल के। अरे मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। क्यों परेशान ना हो, तुम जानती हो सिद्रा ये बात सुन के कितनी खुश होगी। रामी ये हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। आओ आ जाओ सिद्रा। देखिए मिस राबिया प्लीज टेक इट इजी प्लीज, मैं इसीलिए आपको नहीं बताना चाह रहा था। मुझे पता है कि आपको सारी बातें सुनकर कितना बुरा लगेगा, क्या महसूस होगा। सर मेरे अब्बा सिर्फ मेरे जहेज के लिए अपनी जिंदगी धांपड़ लगा रहे थे। आप यकीन जाने जब मुझे सारी बातें पता चली तो मुझे खुद बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। छोड़े सर अब कुछ नहीं रहा है। मिस राबिया मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने वालिद साहब को बताइएगा कि
कि वो जिस शख्स को ये किडनी दे रहे हैं ना, उस शख्स का ताल्लुक किसी ना किसी ग्रुप से वाबस्ता है। ये ग्रुप इसी तरह के लोगों को ढूंढते हैं, उन्हें ट्रैप करते हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और उनका किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। वरना आप सोचें ना, कोई भी लाशऊर डॉक्टर 50 प्लस शख्स की किडनी नहीं लेगा, इट्स इम्पॉसिबल। अपा ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, अम्मी के बारे में नहीं सोचा, अगर इस प्रोसेस के बीच में उन्हें कुछ हो जाता तो? ये सब कुछ आप ही के लिए तो कर रहे थे, वरना हैरत तो मुझे आपकी पप्पो पर है, फराज की मदर। वो कितनी पत्थर दिल खातून है। उनकी तो बात ही मत करें सर, इस पूरी फैमिली की निगाह में किसी की कोई वक्त कोई हैसियत नहीं रही सर। अफसोस होता है मुझे इन लोगों पर, कैसे कर सकते हैं ये। राबिया देखिए, अब तो आपको सब कुछ पता चल गया है ना, अब आप ये सोचें कि हम लोगों की सब चीजों को डील किस तरह से करना है। प्लीज आप तो इजी रहें, समझाएं अपने वाले साहब को जाके। नहीं सर, अब सोचने समझने को बचा क्या है, मेरा इस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। मुझसे ना भी काम नहीं होगा, मुझे घर जाना है प्लीज। आप बिल्कुल घर जाएं, रिलैक्स हो जाएं, प्लीज अंकल को जाकर समझाएं, उनको बिठाएं, उनको सारी चीजें बताएं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उससे आप लोगों पर क्या असर पड़ेगा। प्लीज मुझे जाना है सर। Go. यकीन करें भाई, मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा था। हम इतना रो चुके हैं, इतना दुख उठा चुके हैं कि मुझे पूरा यकीन था कि अल्लाह हमें खुशियां जरूर देगा। आपको बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो, आखिरकार तुम फूफो बनने वाली हो। काश अम्मी भी होती, उनकी बहुत ख्वाहिश थी, बहुत अरमान था आपकी औलाद देखने का। चिद्रा जिंदगी इसी का नाम है, इंसान की काफी ख्वाहिशें उसके जाने के बाद ही पूरी होती हैं। लेकिन अब हमने बिल्कुल भी उदास नहीं होना, हम ऐसे ही फील करेंगे जैसे सुंबल और अम्मी हमारे साथ ही हैं, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। क्यों भाई? बिल्कुल। और रामीन, अब तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है, अपनी डाइट का, अपनी सेहत का। मैं और मेरा भाई इस मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चलें अब आप लोग बैठें, मैं जरा उस्मान को फोन करके आती हूँ। उनको वैसे ही बच्चे बहुत पसंद हैं, वो बहुत खुश होंगे सुन के। अच्छा राबिया, साथ अगर आइंदा के बाद मेरे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश भी की ना, ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि तुम्हें सारे भूले हुए सबक याद आ जाएंगे। बकवास बंद करो। बकवास तो मैं तुम्हारी बंद करूंगा, और तुम खुद हाथ जोड़ कर वो घर और रामीन मुझे लाके दे दो। सर क्या कर दिया सर ने? अपनी इन चहेती बेटी से पूछे, जिनकी हवस और लालच ने मेरे बाप को सालिम निगल ले रचा। दादी बदतमीज। मुश्किल